Hello everyone, welcome to Mahindra Group. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर क्लासेस में, आपके फेवरेट करंट अफेयर शो में. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9 जनवरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. सेशन की बात करेंगे, सेशन कैसे क्या रहेगा वो सभी तो सबके क्लियर है. स्टार्टिंग एमसीक्यू के साथ करेंगे, बाकी क्या रहेगा वो धीरे धीरे देखेंगे. बट एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आज एक इकोनॉमी की न्यूज डिस्कस करेंगे जिससे कि डेफिनेटली एग्जाम का एक क्वेश्चन बनेगा. कल मैंने आपसे कहा था कैबिनेट अप्रूवल आया था 10% कोटा जो था जनरल कैटेगरी के लिए, उसे लोकसभा में बिल्कुल कल ही पास करा दिया गया और बिल्कुल बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के वो क्लियर हो भी गया, लोकसभा से बिल पास भी हो गया. अब आगे देखेंगे आगे क्या होता रहेगा, ये सारे पॉइंट्स आगे करके धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले आपको करना क्या, फटाफट से कॉपी करिए लिंक को, जहां जहां आप ऐड हैं, जहां जहां तक आपकी रीच है, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहां जहां तक फटाफट से जरा इसे शेयर कर दीजिए. तब तक हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू भैया. तो जरा करंट अफेयर्स की लाइव सेशन को आगे बढ़ाया जाए और यहां पर एमसीक्यूज को लाया जाए. तो भैया अपना एमसीक्यू आ चुका है. पहला एमसीक्यू यहां पर कहता है कि तारो कोनो जो अभी इंडिया में पहुंचे हैं वो किस देश के विदेश मंत्री हैं. तारो कोनो अभी हाल ही में 3 दिन की विजिट के लिए अभी इंडिया में पहुंचे हैं वो किस देश के विदेश मंत्री, जरा फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए. ओके गाइस, जरा फटाफट गुड मॉर्निंग सभी को भैया मेरी तरफ से प्यारा गुड मॉर्निंग. जरा आंसर दे दीजिए, आंसर की बात करें, यहां पर आंसर आ रहा है जापान की बात हो रही है कि तारो कोनो इज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द जापान. अब अपार्ट फ्रॉम जितने भी देश हैं उनके नाम देखिएगा, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है सियोल और करेंसी यहां पर वॉन चलती है. एंड नॉर्थ कोरिया की माफ करिएगा, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, करेंसी वॉन है. एंड नॉर्थ कोरिया की बात करें प्योंगयांग यहां पर कैपिटल है, करेंसी वॉन है. जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन. एंड चाइना की कैपिटल बीजिंग यहां की कैपिटल, करेंसी युआन ऑब्लिक रेनमिनबी. अभी हाल ही में पांडा बॉन्ड लॉन्च किए गए हैं. पांडा बॉन्ड याद है आपको, किस देश ने किए थे ये, पाकिस्तान ने किए. किस करेंसी में किए, चाइना की करेंसी रेनमिनबी में किए, चाइना के कैपिटल मार्केट से पैसा उठाने के लिए. और पाकिस्तान ने अभी पंज तीरथ को जो कि कह सकते हैं कि हिंदू मंदिर है उसको नेशनल हेरिटेज भी डिक्लेयर किया है. तो इस बात को भी आप याद रखिएगा. और यह है कहां पर, पेशावर में है. नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है और करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी भैया यहां की नायरा है. जो यूनाइटेड नेशन की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है अमीना जे मोहम्मद, वो भी आपकी नाइजीरिया से ही है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एक और बात बता देता हूं, जापान की जब बात हुई है तो जापान और इंडिया के बीच में अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज भी रही है और उस एक्सरसाइज का नाम है सिन्यू मैत्री एक्सरसाइज रही है. आगरा में रही थी, आगरा एयरफोर्स स्टेशन पे इसका कह सकते हैं इसको ऑर्गेनाइज किया गया था. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में पोंगल फेस्टिवल के उपलक्ष्य में जितनी भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको 1,000 रुपए देने की बात की है. इन अदर वर्ड्स, किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक पोंगल स्कीम को लॉन्च किया है. दूसरे शब्दों में बात करें तो यहां पर जो पोंगल स्कीम है उसे, पोंगल फेस्टिवल की बात करें तो जिसे मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं. अक्सर आप सुनते होंगे भाई हम लोग पतंग वतंग उड़ाते हैं तो आप सभी को पता है. तो भाई उसी दिन मकर संक्रांति वाले दिन, तो ये मकर संक्रांति होता है. ऐसे ही जिस स्टेट की मैं बात करूंगा यहां पर, वहां पर उसे पोंगल फेस्टिवल के नाम से जानते हैं. और वहां पर बोला गया है कि जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको 1,000 रुपए दिया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत. तो आंसर अपने यहां पर बनेगा तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की यहां पर बात हो रही है. अब जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए तमिलनाडु के स्टेट इफेक्ट क्या क्या है, मतलब वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है, वहां के गवर्नर कौन है. क्या बात है, बताने से पहले ही आ गया कि तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है. चेन्नई याद रखना, ठीक है. ई के पलानी स्वामी चीफ मिनिस्टर है. और गवर्नर की अगर मैं बात करता हूं तो सिंपल यार, इनका नाम तो सभी को पता होगा, बनवारीलाल पुरोहित. इनका आपको नाम याद रखना है, बनवारीलाल पुरोहित इज अ गवर्नर ऑफ दी तमिलनाडु. आई होप सो गाइस क्लियर होगा. ओके, एक और चीज आ गई, 33 यहां पर डिस्ट्रिक्ट है, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं. देखिए जितना आप याद रखेंगे उतना बेहतर है. कि यूनिकैमरल सीट बात करते हैं तो विधानसभा की यहां पर 234 सीट है. ये कुछ अलग अलग फैक्ट है, इन्हें डिटेल में याद रखते चलिएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा शहर है जिसने अभी 8वां इंटरनेशनल जो मैराथन है उसको होस्ट किया है. अपना आंसर बनेगा यहां पर वडोदरा. याद रखिएगा वडोदरा ने अभी 8वें अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की मेजबानी की है. अब सवाल बनता है कि ये जीता किसने है, तो अपना आंसर बनेगा वेस्ले किप्रोनो की बात करते हैं. इन्होंने 8वां वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन जीता है. बट यहां पर सवाल मैंने जो फ्रेम किया वो ये है कि ये किस कंट्री से है, केन्या से, नाइजीरिया से, युगांडा, रवांडा या घाना. केन्या, नाइजीरिया, युगांडा, रवांडा या घाना, किस देश से हैं भैया ये वेस्ले किप्रोनो. तो हम जहां यहां पर जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ, ये केन्या से हैं. केन्या की कैपिटल है नैरोबी, करेंसी यहां पर शिलिंग चलती है. नाइजीरिया भी हमने देख लिया अबूजा, कैपिटल करेंसी नायरा.
युगांडा कंपाला, युगांडा कंपाला, और करेंसी यहां पर शिलिंग चलती है, इस बात को भी याद रखिएगा। रवांडा की कैपिटल है भैया किगाली, कौन सी गाली, किगाली, रवांडा की गाली, रवांडा की गाली खाने के बाद हम कैसा फील करते, फ्रैंक फील करते, तो ऐसे याद रखना रवांडा की गाली फ्रैंक, ठीक है। घाना नाना, ठीक है, नाना अकूफो एडो यहां के प्रेसिडेंट है, नाना अकूफो एडो, घाना नाना, घाना नाना, घाना नाना ऐसे भी याद रख सकते हैं, घाना नाना, नाना अकूफो एडो यहां के प्रेसिडेंट है। एंड घाना की कैपिटल है अकरा, अकरा कैपिटल है, और करेंसी यहां पर सैडी चलती है, इस बात को याद रखिएगा। आई होप सो गाइस यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, किस कंट्री ने या कौन सी कंट्री अभी 17वें AFC एशियन कप की मेजबानी कर रहा है, कौन सा देश AFC एशियन कप के 17वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है, अपना आंसर बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 5, UAE इज होस्टिंग 17th एडिशन ऑफ AFC एशियन कप, जो 17वां एडिशन है उसको होस्ट कौन कर रहा है, यहां पर UAE होस्ट कर रहा है। UAE की कैपिटल क्या है सर, अबू धाबी, एंड करेंसी यहां पर क्या चलती, सर दिरहम चलती। सर क्या बच्चों वाली बात करते हैं सर आप, सुबह सुबह कैपिटल करेंसी तो हमें रटी हुई है, बच्चे सोते में भी कोई पूछ लेगा ना बांग्लादेश की, तो पूछते तो ढाका टका ही निकलता है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश की क्या, ढाका टक्का, ढाका टक्का याद रखना। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी भाट है। एंड सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, रियाद, एंड करेंसी यहां पर रियाल चलती है। तो जो अपना ट्रिपल सी रूल है ना उसी को फॉलो करिए, कंट्री कैपिटल करेंसी तीनों को एक ही फ्लो में याद रखिएगा। आज मैं आपके लिए 5 MCQ लाया हूं, इसके अलावा जितने MCQ आपको PDF में मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मेरे से नो कंप्लेंट, सिर्फ आपको PDF देखनी है, आज PDF में आपको बाकी के MCQs मिल जाएंगे। अब आते हैं आज के सेशन में, 11 न्यूज हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले यहां पर बात हो रही है गोपीनाथ की। अब ये गोपीनाथ कौन है, गीता गोपीनाथ इनका नाम है, मैसूर में जन्मी है, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्यभार संभाला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, उसके चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में किन्होंने अपना पदभार संभाला है, आंसर बनता है गीता गोपीनाथ। आते अपनी लैंग्वेज में देखते हैं, देन फिर IMF रिलेटेड सारे फैक्ट का एक एक करके डिस्कशन करते हैं। मैसूर बॉर्न गीता गोपीनाथ हैज जॉइंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एज चीफ इकोनॉमिस्ट, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट ज्वाइन किया है। एंड शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू ऑक्यूपाई द टॉप IMF पोस्ट, पहली महिला बन गई हैं जो कि इस पोस्ट पर अभी अपॉइंट हुई हैं। लिखा हुआ है यहां पर शीर्ष IMF पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं, मैसूर में जन्मी गीता गोपीनाथ। आई होप सो गाइस सिंपल शब्दों में यहां तक सभी के क्लियर होगा। अब दिमाग की हट रही होगी, अरे यार IMF क्या है, IMF रिलेटेड फैक्ट क्या है, तो आते हैं चलिए उनको डिटेल में जरा देख लेते हैं। टेक्निकल टीम जूम रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से दोस्त हम इसे जानते हैं, इसका फॉर्मेशन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को, बड़े ध्यान सुनिएगा, इसका फॉर्मेशन हुआ था आपका 27 दिसंबर 1945 को, फिर मैं बोल रहा हूं इसका फॉर्मेशन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। एग्जामिनेशन में IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके फैक्ट पूछे जाते हैं, तो प्लीज फोकस रखिएगा, यहां पर फोकस रहिएगा कि फॉर्मेशन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिश्चियन लगाडे जो कि फ्रांस से है, एंड हेडक्वार्टर की बात करें Washington DC यूनाइटेड स्टेट्स है। एंड मेंबर कंट्रीज की बात करें 189 मेंबर कंट्रीज हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। अब फ्रांस की बात हुई है तो लाजमी है भैया फ्रांस रिलेटेड फैक्ट जानना। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, पेरिस कैपिटल है, करेंसी यूरो है। इमैनुअल मैक्रोन का तो आपने नाम सुना ही होगा भैया, प्रेसिडेंट है वो। एंड एडवर्ड फिलिप की बात करते हैं, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फ्रांस। आई होप सो गाइस यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी, क्लियर है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस सर यहां तक क्लियर हो चुका है। अभी हमारी सिर्फ एक ही न्यूज निकली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कुमार राजेश चंद्र has been appointed as a director general of सशस्त्र सीमा बल। कुमार राजेश चंद्र को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। SS देशवाल थे, उनको यहां पर रिप्लेस किया गया, उनको सक्सीड करते हुए कुमार राजेश चंद्र अब बन गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल। देखिए CRPF, CISF, BSF, ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम बात करें तो सशस्त्र सीमा बल, नेवी चीफ, आर्मी चीफ, आपको ये सारे जितने भी कह सकते हैं कि अपेक्स आर्म्ड फोर्सेस हैं, सभी के आपको चीफ याद होने चाहिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि टिप्स पे लर्न होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में एज अ स्टैटिक भी पूछा जा सकता है, अगर वो एक साल पुराना है एज अ स्टैटिक भी पूछा जा सकता है, बट एज एन करंट अफेयर तो डेफिनेटली एग्जाम का पार्ट बनेगा कि कौन या हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, कौन सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए, अपना आंसर बनेगा कुमार राजेश चंद्र।
अपार्ट फ्रॉम दो बातें एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं, जैसा कि स्टूडेंट पहले ही कमेंट कर देते हैं कि नितेश यादव ने कह दिया कि 1963 में ये फाउंडेड हुआ था और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। 1963 में सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अब ये है ऑबिचरी, नोटेड हिस्टोरियन का अभी हाल ही में देहांत हो गया। अब क्या है इनका नाम, क्या है पॉइंट एग्जामिनेशन के लिए, वो देख लेते हैं। टेक्निकल टीम जरा जूम रखेगा। ओके भैया, ओके यहां पर है नोटेड हिस्टोरियन, नोटेड हिस्टोरियन सब्यसाची भट्टाचार्य, नोटेड हिस्टोरियन सब्यसाची भट्टाचार्य की बात करते हैं। ही हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज 89। प्रसिद्ध इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह 81 वर्ष के थे। अब देखिए एग्जामिनेशन में अगर पूछा गया तो सिंपल सा एक सवाल बनेगा कि सब्यसाची भट्टाचार्य जो हमें अभी छोड़कर चले गए वह क्या थे, तो वह एक इतिहासकार थे, वह एक हिस्टोरियन थे। साल 2011 में बात करें तो उन्हें रविंद्रनाथ पुरस्कार दिया गया था। 2016 में बात करते तो जादवपुर डॉक्टर ऑफ लेटर से उन्हें सम्मानित किया गया था। बट इतना नहीं डिटेल में जाएंगे, सिंपल शब्दों में याद रखना है सब्यसाची भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे, वह एक हिस्टोरियन थे, वह एक इतिहासकार थे। अब आते हैं अपनी एक और न्यूज की तरफ। यहां पर न्यूज है जो GJC है, ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की बात करेंगे, ऑल इंडिया जैम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की बात करें तो उसके चेयरमैन के रूप में अनंता पद्मनाभन की बात करें उनका अपॉइंटमेंट रहा है। एज अ वाइस चेयरमैन बात करें तो शंकर सेन का अपॉइंटमेंट रहा। तो दो अपॉइंटमेंट रहे हैं आज के द हिंदू से लिए गए हैं, आते हैं इन्हें भी डिटेल में देख लेते हैं। ऑल इंडिया जैम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, द नेशनल अपेक्स बॉडी ऑफ जैम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, हैज इलेक्टेड अनंत पद्मनाभन एज अ चेयरमैन एंड शंकर सेन एज अ वाइस चेयरमैन। ऑल इंडिया जैम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, जो कि रत्न और आभूषण उद्योग की राष्ट्रीय शीर्ष संस्था है, उसने अनंत पद्मनाभन को अध्यक्ष और शंकर सेन को उपाध्यक्ष चुना है। सिंपल शब्दों में याद रखना है कि अध्यक्ष कौन चुना गया है, चेयरमैन कौन बना है, वो है अनंत पद्मनाभन, एंड उपाध्यक्ष कौन बना है, वाइस चेयरमैन कौन यहां पर बना है, तो वो आपको याद रखना, शंकर सेन यहां पर वाइस चेयरमैन बने हैं। सिर्फ एक अपॉइंटमेंट है, इसके अलावा यहां पर डिटेल में नहीं जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अब नीलेकानी जी की बात करते हैं तो RBI ने यहां पर एक कमिटी बनाई है और इंफोसिस के जो चेयरमैन की बात करते हैं नंदन नीलेकानी, उसको यहां पर इस पैनल का हेड बनाया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, डेफिनेटली एग्जाम का पार्ट बनेगा। अभी किस पर्पस के लिए कमिटी बनाई गई है, किस पर्पस के लिए पैनल बनाया गया, इस पैनल में कितने टोटल मेंबर हैं, ठीक है नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें और कौन कौन से मेंबर्स हैं, आते हैं वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। बट मेरा आपसे सवाल रहेगा, RBI के 4 जो डेप्यूटी गवर्नर्स हैं उनके नाम क्या है, जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस की बात करें 4 है, जिसमें 2 आरबीआई की और 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। 2 आरबीआई की कौन सी, वो भी जरा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है, 2 हो गए सवाल। तीसरा सवाल, गवर्नमेंट के टकसाल कितने हैं, मतलब सिक्कों की ढलाई कहां पर होती है, जरा ये तीसरा सवाल है, तीनों के आंसर जरा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हार्डली 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूं। टेक्निकल टीम जरा स्क्रीन को जूम रखेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड 5 मेंबर पैनल टू सजेस्ट वेज टू इंप्रूव डिजिटल पेमेंट्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान में सुधार के तरीके सुझाने के लिए 5 सदस्यीय पैनल नियुक्त किया है। जो डिजिटल पेमेंट करते हैं उसमें और कैसे बेहतर इंप्रूवमेंट की जा सकती है, और कैसे कह सकते हैं उसे और बेहतर किया जा सकता है, इन सभी को लेकर सुझाव देने के लिए, सजेशन देने के लिए 5 लोगों का पैनल बनाया गया, 5 मेंबर का एक पैनल बनाया गया है। अब 5 सदस्यीय पैनल को लीड कौन करेगा, आते हैं एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इस 5 मेंबर्स पैनल की बात करें, इसे नंदन नीलेकानी हेड करेंगे। भाई रट लीजिएगा, कौन इसे हेड करेंगे, नंदन नीलेकानी इसे हेड करेंगे। कमिटी की बात करें, जब इस कमिटी की पहली मीटिंग हो जाएगी तो उसके उस मीटिंग के 90 दिन में इसे अपनी ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। फॉर्मर डिप्टी गवर्नर की बात करते हैं, HR खान इसका पार्ट है। फॉर्मर विजय बैंक के जो MD एंड CEO हैं किशोर सांसी की बात करें, वो भी इसका पार्ट है। फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अरुणा शर्मा की बात करें, संजय सेन की बात करें जो चीफ इनोवेशन ऑफिसर की बात करते हैं, तो यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो कि इसका पार्ट है। बट मेरा कहना सिर्फ इतना रहेगा, इसको हेड कौन कर रहा है, ये एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट बनेगा। बाकी की बात है, सिर्फ पढ़ लीजिएगा, काम की नहीं है, सिर्फ पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसे रटने की कोशिश मत करना। ये 2 पैराग्राफ को सिर्फ इतना याद रखना कि नंदन नीलेकानी इसको हेड करेंगे। आंसर आ चुका है यहां पर,
आरबीआई की जो चार आरबीआई की क्या जो चार प्रिंटिंग प्रेस हैं वो है मैसूर, सालवनी, देवास, नासिक। एग्जाम में आया हुआ सवाल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसमें से आरबीआई की है मैसूर और सालवनी, और देवास और नासिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ठीक है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा की बात करें, ये टकसाल है, टकसाल मतलब मिंट है जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। आरबीआई के फोर डिप्टी गवर्नर्स की अगर हम बात करते हैं तो एनएस विश्वनाथन, विरल बी आचार्य, बीपी कानूनगो, ठीक है, महेश कुमार जैनी, चार टोटल डेप्यूटी गवर्नर है, एनएस विश्वनाथन, विरल बी आचार्य, बीपी कानूनगो एंड महेश कुमार जैन, इनका भी नाम याद रखिएगा। मेरा एक सवाल और है, अब आज पता चल जाएगा कितने दोस्त मेरे ऐसे हैं जो आंख खोल कर सुन रहे हैं, मेरी बात को बड़े ध्यान सुनिएगा, जो आंख खोल कर सुन रहे हैं, क्योंकि भाई एसएलआर पूछने जा रहा हूं। 1 जनवरी 2019 से स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो क्या हो गया, जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। 1 जनवरी 2019 से वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे हम स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, वो कितना प्रतिशत हो गया है, जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरा जल्दी से लिख के बता दीजिए। अब बढ़ते हैं। ओके सर, आपके पढ़ाया हुआ करंट अफेयर्स अध्यापक में 30 में से 26 प्रश्न आए, क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे भगवान करे कि भैया हम तो चाहेंगे कि सारा पढ़ाया हुआ हमारा ही आ जाए, जो एग्जामिनर सेशन को देख रहा हो ना वो पता नहीं देखना ही बंद कर दे, जिससे कि जब भी वो पेपर बनाए तो पूरा का पूरा यहां के बिना ना बनाए, ठीक है, यहां के यहीं वाला बना दे। ऐसा होता क्या पता वो देखने लग जाए और यहां का एक भी क्वेश्चन ना दे, जैसा कि एक एग्जाम में हुआ था कि बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले थे, और शायद उस दिन मैंने बहुत कुछ बच्चों से सुना भी था, बट कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद से बहुत सारी इंप्रूवमेंट की हैं। तो ऐसे ऐसे कभी कभी झटके भी लगने चाहिए, जिससे कि भाई और बेहतर सेशन को इंप्रूव किया जा सके। अब आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। प्लेबैक सिंगर पी सुशीला हैज बीन चूजन फॉर हरिवर्षनम अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द केरला गवर्नमेंट। केरल सरकार द्वारा स्थापित हरिवंशानम पुरस्कार के लिए पार्श्व गायक या प्लेबैक सिंगर सुशीला जी को चुना गया है, पी सुशीला जी को चुना गया है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां से दो तरीके से सवाल फ्रेम होगा। एक तो एग्जामिनर सिंपल सा पूछेगा, हु हैज बीन अवार्डेड या हु हैज बीन चूजन या हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द हरिवंशानम अवार्ड दैट इज एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूटेड बाई इंस्टीट्यूटेड बाई द केरला गवर्नमेंट। सिंपल सा आंसर याद रखना है, पी सुशीला जी को चुना गया। दूसरा, पी सुशीला जी को अभी हरिवंशानम पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो कि एक प्लेबैक सिंगर है। ये जो अवार्ड है ये किस राज्य सरकार के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया, तो याद रखना ये केरल राज्य सरकार के द्वारा इसे इंस्टीट्यूट किया गया। अब केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है, केरल के गवर्नर कौन है, जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिए। कल गलती से मैं अलाहाबाद की जगह अहमदाबाद बोल गया था प्रयागराज का नाम, तो वो याद रखना, वो बाय मिस्टेक निकल गया था मुंह से, बट एग्जैक्टली जो आंसर है उसका अलाहाबाद ही है, अलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज किया गया। इतना तो अंडरस्टूड है यार, कभी कभी अलाहाबाद की जगह वो अहमदाबाद, क्योंकि सेशन में अहमदाबाद अलाहाबाद चल रहा था, तो वो गलती से अहमदाबाद निकल गया। तो इन चीज़ों को आप खुद से ही रेटिफाई कर लिया करिए, ठीक है, आई होप सो, इतना तो समझ में क्लियर आता ही है। बढ़ते नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। HDFC की एक सहायक कंपनी है, उसका नाम है ग्रह फाइनेंस। HDFC की बात करें, उसकी एक सहायक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी, उसका नाम है ग्रह फाइनेंस, उसको मर्ज कर दिया गया है बंधन बैंक में। मैं SLR वाला अभी आंसर डिक्लेयर नहीं करूंगा, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको कमेंट करना है वीडियो कंप्लीट होने के बाद। अब सिंपल सा अपना सवाल यहां पर बनेगा, ग्रह फाइनेंस को मर्ज किया गया है बंधन बैंक में, वो किसकी एक सब्सिडरी या सहायक कंपनी थी, तो हमें याद रखना है वो HDFC की सहायक कंपनी थी। आते हैं जरा इस न्यूज को देख लेते हैं, टेक्निकल टीम जूम रखेगा। ग्रह फाइनेंस अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस आर्म ऑफ HDFC, या इन अदर वर्ड्स एक सब्सिडरी ऑफ HDFC विल बी मर्ज विद दी बंधन बैंक। जो ग्रह फाइनेंस है HDFC की एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस शाखा है, उसका विलय बंधन बैंक में किया जाएगा। एग्जाम के लिए डेफिनेटली ये रिलेवेंट बनता है कि किस फाइनेंस आर्म को HDFC की को एक बंधन बैंक है उसमें मर्ज किया जाएगा, तो अपना आंसर बनेगा यहां पर ग्रह फाइनेंस। बंधन बैंक अभी हाल ही में न्यूज में भी रहा है, क्योंकि जो RBI है, RBI ने उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि भाई तुम अपनी ब्रांच को एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। भाई PCA इंपोज नहीं था, इस बात को समझिएगा, PCA की बात नहीं कर रहा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की मैं बात नहीं कर रहा। यहां पर बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक को जब लाइसेंस दिया गया था 2015 में, तो कहा गया था भाई मेरे जो तुम्हारा 82% प्रमोटर का इसमें शेयर है, प्रमोटर मतलब एक तरीके से मालिक, जो प्रमोटर का यहां पर शेयर है 82%
प्रतिशत इस बैंक में, उसे रिड्यूस करके आने वाले 3 सालों में 2018 तक तुम्हें 40% लाना है। ऐसा इन्होंने नहीं किया, आरबीआई ने डंडा चला दिया, कह दिया भैया मेरे तुम अब अपनी ब्रांचेस को एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। बट जैसे ही शक्तिकांत दास गवर्नर बनते हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई मेरे तुम अपनी ब्रांचेस को एक्सपेंड कर पाओगे और इन्हें ब्रांच ओपन करने के लिए यहां पर परमिशन दे दी गई है। तो ये इसलिए न्यूज में रहा था, तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अब बंधन बैंक रिलेटेड कुछ बातें इनको देख लेते हैं। ये फाउंड हुआ था 23 दिसंबर 2014 को, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल है, एमडी एंड सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं, एंड एचआर खान की बात करेंगे, ये चेयरमैन एमडी, इनकी भैया सैलरी जो रिम्यूनरेशन होता है ना, रिम्यूनरेशन बहुत बड़ा एक टर्म है, इसमें वेजेस भी आती है, इसमें पर्क्स भी आते, परक्विजिट भी आती हैं, इसमें अलाउंसेस भी आते हैं। तो दूसरे शब्दों में बात करें तो भाई को जो सैलरी मिल रही थी, जो मजदूरी मिल रही थी, वो भी बंद कर दी गई थी। बट जैसे ही शक्तिकांत दास आए, उन्होंने कहा तुम ब्रांच भी एक्सपेंड करो, भाई के परिवार में यार सभी हैं, भैया घरवार है, भाई को सैलरी वैलरी प्रोवाइड करो। तो चंद्रशेखर घोष की सैलरी भी अब इन्होंने क्लियर कर दी। एचआर खान की बात करें, ये चेयरमैन है, ये एग्जाम का पार्ट बना था, आपका भला सबकी भलाई इसकी टैगलाइन है, ये रट लीजिएगा, आपका भला सबकी भलाई इज अ टैगलाइन ऑफ द बंधन बैंक, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। अब बढ़ते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नेवी टू सेटअप न्यू एयरबेस इन पोर्ट ब्लेयर, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए और डेफिनेटली पूछा जाएगा कहां पर नेवी अपना नया एयरबेस सेटअप करने जा रहा है, आंसर बनेगा पोर्ट ब्लेयर। दूसरा, पोर्ट ब्लेयर में इसका इनॉग्रेशन कौन करेगा, तो ये भी एक सवाल बनेगा। आते हैं एक एक करके, जितने मैक्सिमम सवाल बन सकते हैं उसमें इस वाले न्यूज में से देख लेते हैं। टेक्निकल टीम जरा भैया जूम, क्या बात है भैया, पहले ही समझ जाते हैं अब तो, मतलब सोचो कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो गई है। नेवी विल कमीशन न्यू एयरवेज 100 माइल नॉर्थ ऑफ पोर्ट ब्लेयर इन द स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नौसेना रणनीतिक रूप से स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर से 100 मील उत्तर में एक नया एयरबेस का संचालन करेगी। इतनी ट्रिकी लैंग्वेज में से अगर मैं सिंपली बोलूं तो यह कहना है कि नेवी पोर्ट ब्लेयर में एक नया एयरबेस का सेटअप करने जा रही है। पोर्ट ब्लेयर मतलब एक तरीके से अंडमान निकोबार आइलैंड पे। अब यहां पर जब इसे सेटअप किया जाएगा तो इसका पर्पस क्या है, मतलब इसका इनॉग्रेशन कौन करेगा। इस बेस की बात करें तो आईएनएस कुहासा की बात हो रही है, इसको कमीशन किया जाएगा बाय नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा, और ये किया जाएगा 24 जनवरी को। एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट, हु विल कमीशन आईएनएस कुहासा एट पोर्ट ब्लेयर, दैट इज एग्जैक्टली अ न्यू बेस ऑफ नेवी। तो आंसर बनता है अपना नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा इसका कमीशन करेंगे। भाई अगर यहां तक क्लियर है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस सर यहां तक क्लियर है, जरा लाइक बटन पे प्रेस करते चलेगा, बट उससे पहले अपनी स्माइली दे दीजिए, मैं समझ जाऊं कि हाँ मेरे भाई बंधु जितने भी देख रहे हैं ना वो बिल्कुल उठकर बैठे हुए हैं, ढंग से आंखें खोल के सुन रहे हैं, ठीक है। जरा प्लीज अपनी जो मंद मंद मुस्कुराहट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर क्लियर होता चल रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, शेख हसीना टेक्स ओथ फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म। अब देखिए एग्जामिनेशन में बात करें तो ये न्यूज अगर आप पढ़ते होंगे कहते होंगे यार ये तो सिंपल है, ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बट न्यूज का पार्ट इसलिए डिस्कस करें। बट यहां से भी एक ऐसा सवाल बन सकता है कि जो एग्जाम का पार्ट बनेगा, अब वो क्या होगा वो एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे। अभी आते हैं इस न्यूज को ब्रेक कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। टेक्निकल टीम जूम रखेगा। शेख हसीना वॉज सोन इन एज दी बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर फॉर रिकॉर्ड फोर्थ टर्म। शेख हसीना ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में रिकॉर्ड चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट मार्क करेगा, शेख हसीना वॉज सोन इन एज दी बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर फॉर दी रिकॉर्ड फोर्थ टर्म। सोमवार की बात करेंगे, मंडे की बात करें इन्होंने शपथ ली और ये चौथी बार प्रधानमंत्री बन गई है, कहा कि बांग्लादेश की चौथी बार ये प्रधानमंत्री बन गई है। अब देखना समझना, ये पहले चुनी गई थी 1996 में, देन उसके बाद 2008 में भी चुनी गई, देन फिर 2014 में भी चुनी गई। ये वाली लाइन तब इंपॉर्टेंट है जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर ईयर्स के साथ खिलवाड़ देखने को आपको मिलेगा और वो खिलवाड़ ऐसा होगा कहीं ना कहीं हमारे नंबर को लेके जाएगा। तो 1996 याद रखना है, 2008 याद रखना है, 2014 याद रखना है, इसमें चुनी गई थी एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद 2018 में चुनी गई। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज होती है उसका नाम है संप्रति, इस बात को भी याद रखना। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ बांग्लादेश। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो बच्चे को पता है कि भैया ढाका टका याद कर लो, नहीं तो जीए गुरु आ जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका, और करेंसी क्या है, टका। तो अपना एक फ्लो में याद रखना बांग्लादेश, ढाका टका। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज मार्क करना है, यहां से सवाल पूछा जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं यहां से पूछा जा सकता है, बट यहां से मैं बोलूंगा डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा सवाल। जब कभी भी ग्रोथ रेट फोरकास्ट करता है IMF, जब कभी भी ग्रोथ रेट फोरकास्ट करता है RBI, जब कभी भी ग्रोथ रेट फोरकास्ट करता है विश्व बैंक,
और कोई भी एडीबी वगैरह, तो मैं कहता हूं स्टिल आरबीआई की भी बात करूं कि नहीं यार एग्जाम में प्रोबेबिलिटी इतनी नहीं रहती, होती है बट इतनी नहीं रहती एज कंपेयर टू सीएसओ। सीएसओ के संदर्भ में मैं बात करूं, ठीक है, इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूं, जब कभी भी सीएसओ ग्रोथ रेट फोरकास्ट करता है या कहता है इतनी ग्रोथ रेट रही, तो डेफिनेटली वो एग्जाम का पार्ट बनता है। अब समझते हैं उन्होंने क्या कहा है, टेक्निकली जूम रखना और पेशेंस रखिएगा, यहां पर मैं 2 से 3 मिनट लूंगा, इसे डिटेल में यहां पर डिस्कस करेंगे। वी नीड टू फिक्स योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, भैया अभी हमें फिक्स कुछ नहीं कराना, हमें थोड़ी देर बाद कराना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी पॉइंट की तरफ। एज पर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम 2018-19 रिलीज बाय द सीएसओ, सीएसओ ने 2018-19 के लिए अपना पहला जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है उसे यहां पर रिलीज किया है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एस्टिमेट, जो पहला यहां पर एडवांस एस्टिमेट उन्होंने यहां पर रिलीज किया है, उसके आधार पर कहा है कि भारत की वित्तीय वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा मैं अभी आगे, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। सीएसओ ने 2018-19 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान यहां पर बोला है, तो हमें याद रखना है 7.2%। इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में कितने प्रतिशत रही, भाई मेरे शब्दों पे गौर करिएगा, कितने प्रतिशत रही। 2017-18-19 कंप्लीट हो चुका है, इसमें ग्रोथ रेट रही थी 6.7%, 6.7%। और 2018-19 की बात करें, अभी रनिंग में चल रहा है, जैसे 2018-19 कंप्लीट होगा तो इन्होंने कहा है कि इसमें ग्रोथ रेट रह सकती 7.2%। अब कितनी रहेगी ये एक अलग बात है, बट रह कितनी सकती है ये प्रोजेक्शन है, इनका अनुमान है, तो याद रखना 7.2% रह सकती है। आई होप सो गाइस सिंपल शब्दों में क्लियर होगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी 2018-19 के लिए राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार 2017 में 6.7% की वृद्धि दर की तुलना में 2018-19 के दौरान जीडीपी में वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है। ये अनुमानित है, इतने प्रतिशत रह सकती है। जैसे ही 2018-19 कंप्लीट होगा सीएसओ कूद कर आएगा कि भैया इतनी रही है, अभी हमें याद रखना इतनी फोरकास्ट कितनी की है, वो हमें याद रखना भैया 7.2% फोरकास्ट की है। अब अपने काम की बात स्टार्ट होती है, गवर्नमेंट के सीएसओ की बात करते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑफिस की बात करें, इसने क्वार्टर वन की ग्रोथ रेट बताई थी कि इंडिया की रही है 8.2%। भाई क्वार्टर मतलब समझते हो ना, समझते हो ना, हाँ सर क्या बात करें, क्वार्टर मतलब तो सब कुछ पता है भाई, उन क्वार्टर की बात नहीं कर रहा मैं, यहां पर बात कर रहा हूं कि एक साल में टोटल 13 महीने होते हैं। सर क्या बात करें, 12 महीने होते हैं, 12 महीने को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, ठीक है, तीन के 4 महीने हो गए, ठीक है। क्वार्टर वन मतलब हो गया अप्रैल, मई और जून। कहा कि क्वार्टर वन में इंडिया की ग्रोथ रेट, मैंने नहीं सीएसओ ने कहा, मैं कौन होता हूं कहने वाला, कि इंडिया की ग्रोथ रेट रही है 8.2%। क्वार्टर टू में इन्होंने कहा इंडिया की ग्रोथ रेट रही है 7.1%। कहते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ रेट रहेगी 7.2%। अब याद रखना एग्जामिनर डेफिनेटली पूछेगा एज पर सीएसओ क्वार्टर वन में इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी थी, 8.2%, क्वार्टर टू में कितनी ग्रोथ रेट थी, 7.1%, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितनी रहेगी, 7.2%। आई होप सो गाइस सिंपल शब्दों में क्लियर होता चल रहा होगा, मैं कंफ्यूजन जो होता है ना उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। आरबीआई ने ग्रोथ रेट जो फोरकास्ट की है वो 7.4% फोरकास्ट की है, सीएसओ ने थोड़ा कम कहा कि वो 7.2% रह सकता है। अगर क्लियर है कमेंट बॉक्स में लिखना, यस सर क्लियर होता चल रहा है, यस सर क्लियर होता, नहीं सर 14 महीने होते हैं, हाँ 2 महीने तुम्हारे होते हैं वो तुम अपना रख लो, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इस डायग्राम को समझना। अक्सर क्या होता है ना, डायग्राम बड़े सिंपल होते हैं बट उन्हें समझने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है, तो द हिंदू से ये डायग्राम उठाया गया है, उसी द हिंदू का भी ये डायग्राम पढ़ लेते हैं। अब इस चीज को पढ़ना, यहां पर क्या बोला है, तुम कहां भाग रहे हो, क्वार्टर एंडेड की बात करते हैं, इस क्वार्टर एंडेड में जीडीपी ग्रोथ रेट की बात हो रही है कि जो ये 7.1% है, ये कब की बात होगी, तो देखना अप्रैल मई जून की बात करते हैं, अप्रैल मई जून की बात करें, इसमें इंडिया की ग्रोथ रेट रही 8.2%, और 7.1% कब रही है आपकी,
जुलाई अगस्त सितंबर जो अभी मैंने बताया ना क्वार्टर वन और क्वार्टर टू की बात करें तो यही वो डायग्राम है, 8.1% क्वार्टर वन में इंडिया की ग्रोथ रेट रही और क्वार्टर टू में कितनी रही है 7.1% रही है। इन्होंने प्रोजेक्शन किया है कि 18-19 में जो इंडिया की ग्रोथ रेट है वो कितनी रहेगी, 7.2% रहने का अनुमान है। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। देखिए ये बोला 7.2% रहने का अनुमान है, भाई समझ लो डायग्राम से चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं। अगर क्लियर हो गया है यहां पर समझ में आ गया डायग्राम तो कमेंट बॉक्स में लिख देना यस सर हम चाचा चौधरी बन गए हमारे बिल्कुल समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीएसओ की तरफ। सीएसओ की स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को, सेकंड में 1951 को। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। डीवी सदानंद गौड़ा जी की बात करें तो ये श्रीमान मिनिस्टर हैं भैया, मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं वो है बैंगलोर नॉर्थ कर्नाटका। फिर दोबारा समझना, सीएसओ एक गवर्नमेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत। इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीवी सदानंद गौड़ा श्रीमान की बात करें तो ये मिनिस्टर हैं, ये मंत्री हैं और इस मिनिस्ट्री में, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बैंगलोर नॉर्थ कर्नाटका। आई होप सो गाइस ये भी क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं सीएसओ की तरफ। ये सीएसओ के बारे में फैक्ट आप पढ़ लीजिएगा, मैं हमेशा से बोलता हूं ये एग्जाम के लिए रिलेवेंट रहता है, इसे आप पढ़ने की कोशिश करेगा। नहीं समझ में आता तो कल मैं इसे डिस्कस भी करूंगा आपके साथ। नेक्स्ट न्यूज, जापान इंट्रोड्यूस डिपार्चर टैक्स। अब यार कितना टैक्स पड़ेंगे गवर्नमेंट को, देखो अपने यहां पर जीएसटी लगाए रहती है। अब यहां पर बात करें जापान ने भी भैया एक नया टैक्स लगा दिया, डिपार्चर टैक्स। एक लाइन में सवाल बनेगा, पूछेंगे सिंपल शब्दों में किस देश ने अभी हाल ही में डिपार्चर टैक्स इंट्रोड्यूस किया है, उस देश का नाम है जापान। जापान स्टार्टेड लेविंग डिपार्चर टैक्स ऑन ईच पर्सन लीविंग कंट्री। ठीक है, देखो एक वर्ड यहां पर यूज किया जाता है लेवी। ये जितने भी टैक्स का जिन्होंने कंप्यूटेशन किया होगा उन्हें बेहतर पता होगा कि स्पेशली टैक्स कंप्यूटेशन या टैक्स को जब इंपोज किया जाता है तभी हम वर्ड यूज करते हैं कि लेवी करना। ठीक है, तो जब कभी भी आप देखो इंग्लिश में एक वोकैब से अगर जा रहा हूं तो यहां पर सलाम नहीं करोगे, जरा फटाफट से लाइक कर दो एक बार, सलाम मतलब लाइक कर दो यहां पर। ठीक है, तो जापान की बात करेंगे, जापान ने यहां पर एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया, उस टैक्स का नाम है डिपार्चर टैक्स। सिंपल शब्दों में सवाल जो बनेगा उसको देख लेते हैं, डेफिनेटली ज़ूम रखना। जापान हैज स्टार्टेड लेविंग डिपार्चर टैक्स ऑन ईच पर्सन लीविंग द कंट्री। स्पेशली इन्होंने बोला था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है ना, जो टूरिज्म की बात होगी कि टूरिज्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है ना उसे बूस्ट करने के लिए इस अमाउंट को यूटिलाइज किया जाएगा। जापान ने देश छोड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर किसी भी तरीके से प्रस्थान कर लगाना शुरू कर दिया है। अब एग्जाम के लिए रिलेवेंट है किस देश ने स्टार्ट किया डिपार्चर टैक्स, तो अपना आंसर बनता है जापान। द हिंदू से ली गई न्यूज है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की तरफ। भाई आज ये न्यूज में रहा तो मैं इसे फिर दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं, यूनियन टेरिटरी है बहुत कम देखने को मिलता है, तो आज फिर दोबारा, कल भी डिस्कस किया था, आज फिर दोबारा से हम अंडमान एंड निकोबार ही डिस्कस करेंगे। टेक्निकली जूम रखिएगा, ठीक है। अब देखना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें, इट वॉज एस्टेब्लिश ऑन 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी की बात करें वो पोर्ट ब्लेयर है। वन मिनट गाइस, ठीक है। एंड तीन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, निकोबार आइलैंड, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान की बात करते हैं। इनको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट बनता है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं अंडमान एंड निकोबार में, वो तीन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके देवेंद्र कुमार जोशी हैं। एक लोकसभा सीट है, देवेंद्र कुमार जोशी जी का नाम याद रखिए, जोशी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर है और एक लोकसभा सीट है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश है, बट देखिए यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है बट मोस्ट डोमिनेंट और मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज की बात करें तो बंगाली है। 26% पॉपुलेशन की बात करते हैं वहां पर बंगाली बोलती है, तो मोस्ट अगर डोमिनेंट या मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज की बात करें अंडमान निकोबार आइलैंड पे, तो वो आपको याद रखना है भाई कौन सी है, वो आपकी बंगाली है। एंड अपार्ट फ्रॉम बात करते हैं तो अभी तीन आइलैंड के यहां पर नाम चेंज किए गए थे। रोज आइलैंड की बात करते हैं तो उसको नाम रखा गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से, और जो नील आइलैंड की बात करेंगे, देखिए आज पेन भी धोखा दे रहा है, नील आइलैंड की बात करते हैं तो इसका नाम बदल के शहीद द्वीप रखा गया है। हैवॉक आइलैंड की बात करें तो इसका नाम स्वराज द्वीप रखा गया, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट अफेयर से लिंक कर देता हूं, डेफिनेटली एग्जाम का पार्ट बनना ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये कुछ चंद बातें हैं कि एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जनगणना के आधार पर बात करें तो इसकी पॉपुलेशन कितनी थी, दैट वाज एग्जैक्टली 379,944, 379,944 भैया पॉपुलेशन थी किसकी, आपके अंडमान निकोबार की। और लिटरेसी रेट की बात करें वो है 86.27%, 86.27%।
इसके अलावा लैंड एरिया की बात करें टोटल 8249 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें कि अगर आप निकोबार और अंडमान आइलैंड का अलग अलग देखते हैं तो वो है 6408 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए यूनियन टेरिटरी इसलिए इतना डिटेल में जा रहे हैं, अगर स्टेट होता तो इतना डिटेल रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। 1849 किलोमीटर स्क्वायर की बात करें वो निकोबार आइलैंड है। तो भाई ये वाले फैक्ट को जरा याद कर लीजिएगा, अगर ये आपको एडिशनल तौर पर याद है और किसी से पूछेंगे ना तो सच में सामने वाला चकरा जाएगा। अब कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं यहाँ पर। एक और याद रखिएगा कि अंडमान आइलैंड की बात करें तो जो सेंटलीज पीपल की बात होगी, जो एक प्रजाति है वो भी यहाँ पर रहती है। नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है और ये अधिकतर को याद नहीं है, कैंपेल वे, ग्लेटिया वे, महात्मा गांधी मरीन, ठीक है, मिडल बटन आइलैंड, माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन आइलैंड, रानी झांसी मरीन एंड सैडल पीक एंड साउथ बटन आइलैंड, ये ऑल नेशनल पार्क्स की बात करेंगे। सारे के सारे आपके कहां पर लोकेटेड है? अंडमान एंड निकोबार में। अच्छा फटाफट से देखिएगा, तीन चीजें और डिस्कस कर रहे हैं। स्टेट एनिमल कौन सा है? डुगोंग, डुगोंग इज अ स्टेट एनिमल। एंड स्टेट बर्ड की बात करें तो वो है वुड पिजन, है आपकी स्टेट बर्ड है। एंड स्टेट ट्री की बात करते पैड्यूक की बात करेंगे, ये स्टेट ट्री है आपका, मतलब यहां पर अंडमान एंड निकोबार की यहां पर बात हो रही है। सिंपली क्लियर करिएगा स्टेट एनिमल, स्टेट ट्री एंड स्टेट बर्ड क्या है। अब बढ़ते हैं स्टैटिक क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया? कितने दोस्त यहां पर नए हैं जिनको ट्रिपल सी रूल के बारे में पता नहीं है, जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखा जाए। और जितने स्टूडेंट को पता है ट्रिपल सी रूल क्या है तो बताइए कि आपको कितनी कैपिटल करेंसी लर्न है, तो पता तो चले यहां पर। कितने मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु नए हैं जो कि सेशन में आज पहली बार जुड़े हैं, जिनको ट्रिपल सी रूल के बारे में पता नहीं। ट्रिपल सी रूल है क्या? एक महापुरुष है, उन्होंने इसको भैया बनाया है, जिसमें कि आपको कंट्री की कैपिटल करेंसी एक साथ याद रखनी है, और उन महापुरुष का नाम है जीए गुरु, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जब कभी भी आप कंट्री की कैपिटल करेंसी याद करेंगे उसे एक ही लाइन में याद करेंगे, ना ही अलग कैपिटल याद करेंगे, ना ही अलग करेंसी याद करेंगे। होता क्या था कि कैपिटल अलग याद करी, करेंसी याद करी, और यही नहीं रहता था याद कि किस देश की कैपिटल और किस देश की करेंसी है। बाय द वे याद रह गया कंट्री की कैपिटल और करेंसी, बट कंट्री भूल जाते थे कि कंट्री कौन सी है। कंट्री याद होगी तो कैपिटल याद रहती थी, बट करेंसी भूल जाते थे, दिक्कत है। तो सबसे बढ़िया भैया इस रूल के, जब से ये रूल आया है मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, वो सारे के सारे चले गए। ऐसे ही होता है, कभी कभी हम लोग जाते हैं कहीं, मतलब कहीं जाते हैं, कहीं देखते हैं कि भैया बाबा जी मिले तो मेरे जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आ गए, तो ऐसे समझ लीजिए। तो जब से कैपिटल करेंसी वाला रूल आया ना, तब से सारी चीजें याद होने लग गई। अब देखिए आर्मेनिया की कैपिटल क्या है? येरेवन करेंसी द्रम। एक साथ याद रखिएगा, आर्मेनिया येरेवन द्रम, आर्मेनिया येरेवन द्रम। कैनबरा किसकी? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी यहां पर डॉलर चलती है। आर्मेनिया येरेवन द्रम, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर। ऑस्ट्रिया की है वियना, ऑस्ट्रिया वियना यूरो, एक लाइन में याद रखना, ऑस्ट्रिया वियना यूरो। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू और करेंसी यहां पर मनत चलती है, अजरबैजान बाकू मनत। एंड बहामास की कैपिटल है नसाउ, करेंसी डॉलर है। इसे याद करने के बाद एक से एक टफेस्ट भी आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये बॉक्स मेथड देख लिया हमने, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सार्क का एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? किस वर्ष में दक्षिण एशिया, टेक्निकली ज़ूम ही रखिए, किस वर्ष में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की बात करें उसकी स्थापना हुई थी, तो अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, इन 1985 सार्क वॉज एस्टैब्लिश्ड। इसी के रिलेटेड कुछ बात है। 1985 एग्जैक्ट डेट इज 8 दिसंबर 1985 की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन की, हेडक्वार्टर इसका काठमांडू है। एंड सेक्रेटरी जनरल की बात करें अमजद हुसैन साहब इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, और ये 13वें नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं, और जिस देश से आते हैं पाकिस्तान उस देश का नाम है। मेंबर कंट्रीज 8 हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये देश हैं जो कि कहां से, जो कि मतलब मेंबर हैं आपके साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन के। आई होप सो गाइज सभी के यहां तक क्लियर होगा। क्लियर है कमेंट बॉक्स में लिखना, यस सर यहां तक क्लियर है हमारे। अगर नहीं है फिर भी लिख सकते हैं कि हाँ सर अभी दिक्कत है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा एक चीज और बता देता हूं, एक ट्रिक जो मैंने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी, पानी एमबीबीएस, पानी एमबीबीएस ट्रिक है, इसको याद करने का, ये बहुत कॉमन है यार, गूगल पर मिल जाएगा ये पानी। मुझे भी जब सर लोगों ने पढ़ाया था तब यही पढ़ाया था, पानी एमबीबीएस से आप याद रख सकते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया, देन फिर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर मालदीव्स, मालदीव्स एमबीबीएस से आप चलेंगे तो बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, ये देश हैं जो कि सदस्य हैं किसके, सार्क के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र में कौन सा नेशनल पार्क है? चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तड़ोबा। रट लीजिए, चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तड़ोबा। अब देखिए चंदौली कहां पर है, चंदौली लिखा है 4 नंबर पे, यही अपना आंसर है। चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तड़ोबा, ये सारे के सारे आपके कहां पर है, ये आपके सारे के सारे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बाकी कहां पर देख लेते हैं, बैतला आपका झारखंड में है, एक पलामू टाइगर रिजर्व भी झारखंड में है। महाराष्ट्र में देखिए चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तड़ोबा, जितने भी नए स्टूडेंट एक ही फ्लो में याद रखिएगा, चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तड़ोबा। कर्नाटका में अंसी, बंदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल। अंसी, बंदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, कर्नाटका। केरल में कौन से हैं?
अनामुदी इराविकुलम मत्थिकेतन पंपादम पेरियार साइलेंट वैली, अनामुदी इराविकुलम मत्थिकेतन पंपादम पेरा साइलेंट वैली केरला में, मेघालय में नौकरेक और वल्फकराम आपके केरल राज्य में, मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में स्थित है? अपना आंसर बनेगा पमेदा। पमेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। पोबीतुरा, बूरा चपोली, चक्रशिल, लाव खोबा, ये अब में हुआ दिबंग कमलंग, अगर मेहाव की बात करें आपका अरुणाचल प्रदेश में हो गया। कौन दिया कृष्णा कोलेरू नैला किनेलाकट्टू की बात करते तो ये आपका कहां पर है? ये भी आंध्र प्रदेश में। तो आते हैं कि करके देख लेते हैं, तो ये थोड़ी ट्रिकी है इसलिए थोड़ा मैं भी कभी कभी पजल्ड हो जाता हूं, बट कोई दिक्कत नहीं, ये भी आ जाएंगी। कौन दिया कोरिंगा कृष्णा कम्बलकोंडा कोलेरू नैलापट्टू, ये आपके आंध्र प्रदेश में। पोबीतुरा बूरा चपोली चक्रशिला लाउखोबा गरम पानी, ये आपकी असम में। दिबंग कमलंग काने पखुई मेहाव अरुणाचल प्रदेश में। भीमबंद कैमूर विक्रमशिला गगेंटिंग डॉल्फिन, राजगीर कन्वर लेक वर्ल्ड सेंचुरी की बात करें आपका बिहार राज्य में है। एंड पमेदा बैरमगढ़ बरना बपारा गोमर्दा की बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, किस दिन को हम सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में मनाते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं? अपना आंसर बनेगा 24 फरवरी। 24 फरवरी को हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, ये हम दो दिन डिस्कस कर चुके हैं। अब बाकी के दो और बचे उनको कौन से, या इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे और कौन सा डे उसको देख लेते हैं जरा, ठीक है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी, 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 24 फरवरी सेंट्रल एक्साइज डे एंड 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। प्लीज गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट रिलेवेंट एग्जामिनेशन के लिए बनता है ये। नेक्स्ट, आज के कुछ सवाल सिंपल सा यहां पर पूछा गया है कि 2018-19 के लिए सीएसओ ने इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी फोरकास्ट की है? 7.4%, 7.3%, 7.0%, 7.2% या 7.1%? आंसर की बात करें फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मेरे को। बिल्कुल दोस्त, आज की बात करते तो आज एनआरआई डे है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, ठीक है, ओके। आज हम 9 जनवरी की बात करें, आज एनआरआई डे है, ये क्या बात है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही शेयर करते रह रहे क्योंकि हम एक ऑर्डर में चल रहे हैं, उस ऑर्डर में हम सारे डिस्कस करते चल रहे हैं, ठीक है, ओके ओके। आंसर आ रहा है यहाँ पर 7.2%, डेफिनेटली आंसर अपना ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। 7.2% ग्रोथ रेट फोरकास्ट किए सीएसओ ने, क्वार्टर वन में 8.2 रही है ठीक है, और क्वार्टर टू की बात करें उसमें 7.1 रही है। पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए कहा गया इतनी रह सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, प्लेबैक सिंगर की बात करें पी सुशीला जी की, तो उनको एक अवार्ड के लिए चुना गया, उस अवार्ड का नाम है हरिवंशनम पुरस्कार। सवाल यहां पर यह है किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया, तो अपना आंसर बनता है केरल स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर यहां पर बनेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नेवी की बात करते हैं तो वो अभी अंडमान निकोबार आइलैंड में एक नया बेस को स्थापित करने जा रहा, कमीशन करने जा रहा है। सवाल यहां पर यह है कि जो बेस आईएनएस कुहासा की बात करते हैं उसको कमीशन किसके द्वारा किया जाएगा, तो यहां पर ऑप्शन जैसे कि निर्मला सीतारमन, एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी या सुनील लांबा, तो आंसर बनेगा नेवी चीफ सुनील लांबा इसको कमीशन करेंगे। इनमें से एक नाम और याद रख सकते हैं, निर्मला सीतारमन जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं और राज्यसभा एमपी वो कर्नाटका से, इस बात को भी याद रखिएगा। एक और सवाल, शेख हसीना जी की बात करते हैं तो बांग्लादेश की वो प्राइम मिनिस्टर बनी है, एक सवाल भी आया था कि ये फीमेल है कि मेल है, आई होप सो आज डाउट क्लियर हो चुका होगा, शी इज अ फीमेल। शेख हसीना जी की बात करिए प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की, और इनको रिकॉर्ड चौथे टर्म के लिए यहां पर चुना गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बांग्लादेश। बांग्लादेश कैपिटल ढाका, करेंसी टका, एंड अपार्ट फ्रॉम संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज है। अगला सवाल, गृह फाइनेंस की बात करते हैं वो किसकी एक हाउसिंग फाइनेंस आम है, किस की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसको बंधन बैंक में मर्ज किया गया, तो अपना आंसर बनता है HDFC की जो एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस आम है, जो एक सहायक कंपनी गृह फाइनेंस, उसको मर्ज किया जाएगा बंधन बैंक में। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी हाल ही में डिपार्चर टैक्स लगाने की बात की है, तो उस देश का नाम जापान है। जापान ने हाल ही में अभी डिपार्चर टैक्स इंट्रोड्यूस किया है। अगला सवाल नहीं, यहाँ पर 6 सवाल हैं, इसके अलावा जितने भी MCQs हैं वो PDF में मिलेंगे। कल मैं परसों के और आज के दोनों के मिला के MCQ डिस्कस करूँगा, कोई कुछ कंप्लेंट नहीं करेगा, ठीक है, ड्यू टू सम प्रॉब्लम मैं नहीं कर पाया था, बट गाइज MCQs जितने भी बचते हैं बाकी सारे मैं आपको PDF में तो प्रोवाइड कर दूंगा, और इनको कल हम लाइव सेशन में डिस्कस आपके साथ करेंगे स्टार्टिंग में। उसके अलावा सेशन डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, बैक टू बैक 4000 प्लस बच्चे यहाँ पर बने हुए हैं, एंड इवन आपके सजेशन बहुत रिक्वायर्ड होते हैं, प्लीज गाइज सजेशन दिया करिए।
इवन इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव, हो सकता है कुछ चीजें आपको अच्छी नहीं लगती तो वो डिसलाइक करने की बजाय आप कमेंट भी लिख सकते हैं। आप कमेंट करिए कि सर इसलिए मैं डिसलाइक कर रहा हूं, ये मेरा रीजन है, डेफिनेटली मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा उसको, लेकिन कभी आपका नाम भी नहीं यहां पर डिस्क्लोज करूंगा, ठीक है। अपना कमेंट करिए, कमेंट करने के बाद उसे आप डिलीट भी कर दीजिएगा, हार्डली आधा घंटे रखिए क्योंकि मैं हाफ एन आवर में देखता रहता हूँ कमेंट्स वगैरह। तो आप अपना कमेंट करिए और उससे वहां पर बताइए, मुझे बताइए कि एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, रीजन क्या रहता है जिस वजह से आप लोग डिसलाइक करते हैं। और अगर रीजन नहीं दे रहे तो मैं समझ जाऊंगा भैया ये बच्चे नहीं है, कोई और ही है जो डिसलाइक करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।